हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी को सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रोत्साहित करने व प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देने के लिए दिए गए आदेशों के मद्देनजर सरकारी स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन की कक्षा 10वीं की छात्रा महफूजा एक दिन के लिए पटियाला की डिप्टी कमिश्नर बने। इस दौरान छात्र महफूजा ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। इंदरपुरा निवासी छात्रा के पिता माखन खान ने पंजाब सरकार के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान और डिप्टी कमिश्नर का आभार जताया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश के तहत जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए आई एस्पायर नेतृत्व कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार हर माह उनके रोल मॉडल विभागों से जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके और वे अपने सपनों को साकार कर सके। वहीं एसएसपी वरुण शर्मा ने भी छात्रा महफूजा को अपनी कुर्सी पर बिठाया और पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में पीटीएम के दौरान गवर्नमेंट स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन पटियाला की 10वीं कक्षा की छात्रा महफूजा से मुलाकात की, जिसने उसे उसके आईपीएस आईएएस बनने के सपने के बारे में बताया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी पटियाला ने महफूजा को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी पटियाला की कुर्सी पर बिठाकर उनके सपनों को पंख दिए और उन्हें अफसर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पावे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, व्हाटएवर दे वांट टू बी, असी उन्होंने एक दिन अटैच करांगे विद देयर रोल मॉडल, सो दैट उन्होंने थोड़ा जहा एक्सपोजर हो जाए, जिदा आज हो रहा है कि काम की कुछ होंगे, ये की एंटेल होंगे। ये असी स्कूल तो ही एप्लीकेशन लेवे, सो दैट यू कैन वेट, तुम वेट करके भेजोगे सानू, तो जिन्हें तुम भेज दो असी हर महीने के कोशिश करा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जे किसी ने बनना हैगा आईएएस ऑफिसर, किसी ने बनना हैगा डॉक्टर, तो असी उन्होंने उस महीने एक दिन लई उधर पोस्ट कर देंगे। बट जे बाई चांस ज़्यादा लोग आ गए एक रोल मॉडल लई, देन असी उन्होंने प्रायोरिटाइज कर देंगे कि पहला ये चाइल्ड आएगा, फिर वो चाइल्ड, फिर नेक्स्ट चाइल्ड। सो पॉइंट इज दैट दिस विल बी रेगुलर फीचर। नाउ एवरी मंथ वी विल बी टेकिंग चिल्ड्रन from the schools only in the iAspire program, and iAspire da jehda link hai assi bhej chuke hain, hun DO saab nu bhej chuke hain, so DOs nu pahunch chukya hai link, te jinne bhi register karna hai oh rahi school register kar sakde hain, so sare bachche nu assi chance devange to have this kind of exposure, theek hai? So she is our first iAspire candidate. Yeah. Good morning. I am Afuza from class 10th B. I am from school Government Senior Secondary Smart School, Model Town Patiala, and he is my principal sir. Today I am going to expose her for it's been. I am going to collect information about it. DC sir. I am today's DC. आज एक बहुत ही चंगा जेड़ा उपराला मानजोग सीएम साहब जदों मॉडल टाउन दे स्कूल दी मैगा पेरेंट्स टीचर मीट च आई सी, तो उन्होंने साड़ी ड्यूटी लाई सी कि जेड़ी बच्ची महफूजा उदन सीएम साहब ने उन्हें एप्रीशिएट किया सी, ते नाल ही सानू कहा सी कि उस बच्ची नू आप दे दफ्तर बुला के ते उन्हें अगे आई एस आई पी एस बनने लई मोटीवेट किया जाए। अज जो बेटी महफूजा अपने फादर दे नाल मेरे कोले आई सी, इंदरपुरे पिंड दे रहण वाले हैगे, बहुत ही एक वधिया ब्रिलियंट स्टूडेंट हैगी आ, 9th स्टैंडर्ड च उहदे 95% मार्क्स सीगे, ते अज असीं उहनूं इत्थे बुला के एसएसपी पटियाला दी कुर्सी ते उह बैठी, ते सानू सारिआं नूं बहुत माण महसूस होया कि इही बच्चे जिहड़े आउण वाले पंजाब दा भविख ने, इह अपना इत्थों मोटिवेशन लै के जाण ते अगे बुलंदियां ते पहुँचण। इस दे नाल ही मैं पंजाब दे यूथ नूं अपील करदा आं कि अजकल रुझान जिहड़ा बाहर दे मुल्कां च जाण दा बणिया होया आ, पर पुरजोर मेहनत ते पढ़ाई करके जिहड़ी आई एस आई पी एस पी सी एस
वर्गे एग्जाम्स आ उन्हां नूं क्लीयर करके अपनी समाज की बेहतरी लिए आपां सारे एफर्ट्स करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ महफूजा। आई एम फ्रॉम क्लास 10th B। आई एम फ्रॉम स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन पटियाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सरदा थैंक यू करना चाहनी हाँ, साढ़े SSP सर वरुण सर ते साढ़े CM साहब का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहनी हाँ कि उन्होंने मैं एक बहुत वड्डी ओपरचुनिटी दी कि मैं सीट पर बैठ के फील करा कि किवें सारे काम करते ने। मैं यही मैं बहुत मोटिवेशन मिली, मैं बहुत मोटिवेट हुई हाँ कि किसी दिन मैं भी मेहनत करके सीट पर बैठा, अपने हौसले ना अपने पैरों पर खड़ी होकर इतने तक मैं पहुँचा। तो UPSC का एग्ज़ाम होता है कि पहले तो यू हैव आपकी प्रिलिम्स, प्रिलिमिनरी होता है एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप बट विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। वो जो दो पार्ट्स होंगे, एक तो CSAT होंगे, CSAT यू स्टिल हैव राइट, क्वालिफाई, मेरे माय टाइम इट वाज काउंटेड, इट्स क्वालिफाइंग ओनली। अच्छा, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, मार्क्स प्रेजेंट का। तो CSAT होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़े मैथ्स भी हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग कुछ हो जाता है, एंड जरा वैसे प्रिलिमिनरी पार्ट वन है वो हो जाता है GK का मोस्टली, ठीक है। सो ये हो गया प्रिलिम। प्रिलिम च बहुत बच्चे बैठते हैं, ठीक है, आई थिंक हाफ द कॉम्पिटिशन इज कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। एंड प्रिलिमिनरी जे तुसी क्लीयर कर देने हो फिर आते हैं मेन्स। मेन्स आर रिटन एग्जाम सबजैक्टिव टाइप, वो सबजैक्ट्स होंगे, दैट इज GK 1, GK 2, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इदा पेपर्स होंगे, ठीक है। वो नाल तुहानू एक सबजैक्ट आपका भी तैयार करना पैंदा है, जिदा मेरा लॉ सी, मैं लॉ बैकग्राउंड तो ही हाँ, सो मैं लॉ पेपर दिता सी। व्हाट डिड यू गिव? मेडिकल साइंस। हाँ, ये डॉक्टर ने इन्होंने मेडिकल साइंस ही दिता सी, ठीक है। सो तुहानू एक पेपर चूज करना पैंदा है। आपको मैं आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता है स्ट्रक्चर। सो देर इज़ अ DC है ना, देर इज़ अ DC, ठीक है। DC के पास होते हैं 3 ADCs। DC क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर। ADC होता है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। एक होता है ADC रूरल डेवलपमेंट, ADC अर्बन डेवलपमेंट एंड ADC जनरल, ओके। ADC रूरल डेवलपमेंट सारे विलेजेस के रूरल डेवलपमेंट है ना, रूरल मतलब विलेजेस। अर्बन डेवलपमेंट मीन्स सारे शहर है ना, एंड जनरल मीन्स असिस्टिंग DC इन ऑल द जनरल मैटर्स, ठीक है। अभी ये हो गया ज़िला है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट पे ऑल्सो होता है, ADC के साथ होते हैं एक GA होता है, दैट इज़ असिस्टेंट जनरल, ठीक है, टू DC, एंड देन इज यू हैव नाउ अ CM फील्ड ऑफिसर। ये जितनी ग्रीवेंसेस आती हैं, पब्लिक को मीटिंग होती है, ये हम CM फील्ड ऑफिसर बोलते हैं, जो ग्रीवेंसेस को हैंडल करते हैं। ग्रीवेंसेस मतलब किसी की कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, वो सारी वहाँ पर हो जाती हैं। नाउ आवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ सब डिविजन्स, सो वी हैव पीपल कॉल SDM पटियाला, SDM 5-6, दे हैव तहसील्स। अभी सब डिविजन चल रहा था ना, तो सब डिविजन में होता है तहसील। तहसील आपको पता है, तहसील एंड सब तहसील। तहसील में होते हैं तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है। इनके नीचे आ जाते हैं आपके कानून वो, देन आ जाते हैं उनके नीचे पटवारी, ठीक है ना। दिस इज रफली द स्ट्रक्चर। अदर देन दैट वी आर लकी टू हैव समबडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड DDF, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट फेलो। वेर इज शी? देयर, हाँ, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट फेलो प्रिया। एंड वी ऑल्सो हैव एन अंडर ट्रेनिंग IS ऑफिसर अक्षिता, ठीक है। सो शी इज, अब आप बताओ, तो यू नो UPSC पता है, तो यू फॉर यू टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू क्लियर
UPSC एंड इफ यू आर इन पंजाब देन TCS ऑफिसर के लिए देर इज एन एग्जाम विच इज हेल्ड एट एवरी स्टेट होल्ड इट्स ओन एग्जाम ऑल्सो एंड एट नेशनल लेवल यू हैव UPSC होल्डिंग सिविल सर्विस एग्जाम है ना. अब सिविल सर्विस एग्जाम में आपको सारी सर्विसेज आपके पास पेपर जो होता है ना, इट इज़ नॉट की फॉर IAS देर इज़ अ सेपरेट एग्जाम, फॉर IPS सेपरेट एग्जाम, देर इज़ वन एग्जाम. ठीक है, वन एग्जाम में आपने प्रेफरेंसेस भरनी होती है कि आपने IFS बनना है, फॉरेन सर्विस, IPS बनना है, IAS बनना है, आपने क्या बनना है. ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए अलग एग्जाम होता है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए. ठीक है, एंड वो एग्जाम फिर आपके रैंक पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलता है. सो अक्षता हैज रिसेंटली क्लियर दिस एग्जाम, आई गेव UPSC एग्जाम, तो उसमें आई गॉट 69 रैंक, देन आई गॉट माय चॉइस ऑफ IAS एंड कैडर पंजाब, सो आई विल बी सर्विंग इन पंजाब. जिहड़ा डिपार्टमेंट दी डे टू डे रनिंग करनी है वो IAS ऑफिसर ने करनी है, मतलब IAS जिवें प्रिंसिपल साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे इक ऑफिसर है, बट इन्हां दे भी जिहड़े कंट्रोलिंग ऑफिसर है ये सैकटरी एजुकेशन, सैकटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. सो IAS ऑफिसर जिहड़ा मर्जी डिपार्टमेंट है ऑलरेडी सेटेड बाय IAS ऑफिसर. इन द डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा है DC साहब रिप्रजेंट द स्टेट, स्टेट का जिहड़ा मतलब हर एक जिले स्टेट CM साहब हो गए सारी स्टेट दे, पर जिहड़े जिले का इंचार्ज है जिले का सारा काम जिहड़ा है देखना है डिप्टी कमिश्नर ने. डिप्टी कमिश्नर ये नहीं है कि कल्ला एक डिपार्टमेंट है, ये सेंटर है एक लाइक सन दे लॉन्ग सारे प्लैनेट सन दे अराउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. तो इदा ही DC जिहड़ा है इट इज़ द सेंटर ऑफ द व्हील, एक व्हील का धुरा है जिसे आले दुआले सारे डिपार्टमेंट्स मतलब दे रिपोर्ट टू द DC ऑल द डिपार्टमेंट्स, बीट द पुलिस डिपार्टमेंट, बीट द एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट है जो भी डिपार्टमेंट जिले के फंक्शन कर रहा है उन्होंने काम का ओवरऑल कंट्रोल मॉनिटरिंग करनी, दैट इज द वर्क ऑफ द DC एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. हां, कोई भी सरकार की स्कीम है कोई भी हो जी, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू द DC एंड देन दी जिदा मैं टेबल जब बनाया थ्रू ऑल दीज ऑफिसर्स. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो इट्स DC एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर रूल. ठीक है, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ ऑल जिदा जेल्स हो गए वी हैव टू विजिट दैम, SSP साहब के नाल लॉ एंड ऑर्डर की कोऑर्डिनेशन हो गई. ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव ये जिन्हें भी है ना ये सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने. ठीक है, हो जाए कोई चोरी हो जाए उसका सामान अभी रिकवर करा के देंगे, कोई साइबर फ्रॉड हो जाए, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत होंगे किसी के खाते चो जो ठगा पैसे कढ़ा लेंगे वो पैसे असं वापस करा. तो साड़ी जिहड़ी पुलिसिंग हैगी आ वो लोगों की जिंदगी इमीडिएट फौरी बदलाव जिहड़ा वो लैके आती, जिहड़ा IAS अफसर आ उन्हें जमीन के डिस्प्यूट हल कराने आ बड़ा कुछ होना, पर जिहड़ा पुलिस महकमा आ वो किसी की जिंदगी जिहड़ा जिहनूं आपां कहने कि फौरन कोई दुख तकलीफ आई तो फौरन उसका रिड्रेसल जिहनूं आपां हल करा के दिता, ये अंतर होंदा दोनों चीज़ों च, समझ आई तुहानूं. तो इत्थे पटियाला च 26 थाने हैं 26 ते 8 पुलिस स्टेशन्स ने जिन्हां चो एक च तुहाडा पिंड बख्शीवाल जिहड़े SHO साहब बैठे टिवाणा साहब ने DSP ने इन्हां दे अंडर वो थाना आंदा है, ते बहुत वधिया है मतलब उदां देखो मुख्यमंत्री साहब ने तुहानूं एप्रीशिएट कीता, ते इस तों वड्डी मोटिवेशन मैनूं नहीं लगता कोई हो सकती है. हुण एक गल मेरी नोट कर लै, अज तों 10 साल बाद मैं होणा IG आ DI, तू इतने SSP बन के बहना आया इस कुर्सी हमने अपने पल्ले बन ल पक्की गल करेंगी मेहनत तगड़े हो गए ठीक है, इस तो अगे आ गया खूह खूह के बीच.